राम सर, आपसे हम पूछना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में क्या है। सबसे पहले मैं तहे दिल मीडिया को प्रणाम करता हूँ और हमारे मनोज जी प्रोड्यूसर हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और देखा जाए तो ये शॉर्ट फिल्म है, पांच आंखें, पांच करेक्टर हैं इसमें, एक लड़की जो हीरोइन है। थीम तो बहुत ही अच्छा है, इसमें आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं हमारे बीच में, जो कलाकार हैं बहुत मेहनत किए काफ़ी दिन से, मतलब कि जैसे रिहर्सल हुआ और गाने को लेके और स्टोरी को लेके काफ़ी मेहनत किए और अभी भी मेहनत ही कर रहे हैं। जैसे कि देखा जाए हमारे बीच में है जितेंद्र झा हैं और करण हैं, और हमारे बीच में मेरा भाई छोटा जो अभी मद्रासी करेक्टर कर रहा है, एक अभी हमारा दोस्त जो जय है जो पंजाबी प्ले कर रहा। तो हमारे डायरेक्टर जी बहुत ही अच्छे नेचर दिल के हैं और बहुत ही शब्दों में समझाते हैं। जी मैं तो लाइफ में पहली बार कभी कैरेक्टर नहीं मार रहा हूँ, और ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि मुझे लाइफ की पहली एक्ट मिली और वो भी नेचर वाइज जो चेंज लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छा लग रहा करने में। एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, एक डांसर है, बट इनको एक सपोर्ट किया गया, आप कर सकते हैं, तीनों ने कॉन्फिडेंस लगाया और करने की एक चाहत पैदा की। क्या करना शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है पांच आंखें, जो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट मूवियाँ बनती हैं, छोटे बजट की होती है, काफ़ी लंबा बजट है। दो दिन हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस किया है डांस का और एक्टिंग का, और कल शूट था और आज सेकंड शूट है। आज हम लोग अक्सा बीच के बगल में और ये वहाँ थाईलैंड में उपस्थित हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सपोर्ट काफ़ी सहयोग मिल रहा है सभी फ्रेंडों का, जो हम पाँच आँखें हैं, पाँच हीरो हैं, राम हैं, अरुण हैं, करण जी हैं, और उसके बाद ग्लोरी जी हैं। तो अभी तक का बहुत प्यारा सफ़र रहा है, और नेट पर भी काफ़ी लोगों ने आप लोग के थ्रू, आप लोग के माध्यम से जो है देखा है, तो अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, मेरा नाम करण बब्बर है। मेरे करेक्टर के बारे में, बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, आई बिलोंग्स टू अमृतसर पंजाब, तो मैं एक बंगाली करेक्टर कर रहा हूँ जो कि मेरे करेक्टर के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। हालांकि मुझे बंगाली भी नहीं आती है, बट मुझे सिखाया गया है मेरे डायरेक्टर्स ने, मेरे जो कह सकते हो कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, झा जी हैं, ये अरुण हैं, राम हैं, जे है, इनकी भी बहुत हेल्प है, ग्लोरी जी हैं, उनकी भी बहुत हेल्प है। और ये जो शॉर्ट फिल्म है पांच आंखें, ये एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जिसमें एक डांस भी है, पाँच मिनट का एक डांस कोरियोग्राफ किया गया है, जो कि बहुत कम होता है शॉर्ट फिल्म में एक डांस डालना, पाँच मिनट का गाना डालना। तो स्टोरी के बारे में तो आप फिल्म देखिए, अपनी राय दीजिए, बताइए कैसी लगी, और डांस में तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, और फिल्म तो माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात बड़ा पाव के ऊपर थोड़ा बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूँ सर, जैसा कि ये स्टोरी है बड़ा पाव के ऊपर, क्योंकि बड़ा पाव मुंबई शहर में कैसा है, वड़ा पाव है अब बहुत ही सस्ता है, देखा जाए तो काफ़ी पब्लिक पसंद करती है, या तो मिडिल क्लास हो या तो हाई लेवल हो, सभी खाते बड़ा पाव को और इन्जॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। और धीरे धीरे जैसे कि इसमें ये भी दिखाया गया है, सचिन बच्चन जी और नवाज जी इस गाने को, इस वड़ा पाव के गाने में मतलब कि थिंकिंग दर्शाया गया है कि सभी वड़ा पाव को खाए और आज इस लेवल में पहुंच गए। तो इस मुंबई शहर कल्चर में बहुत ही मशहूर वड़ा पाव का एक नाम है, और जो हमारे सर ने इसको राइटिंग किया है, माइंड ब्लोइंग।